संसद भवन में सुरक्षा चूक के बाद जांच एजेंसियों का एक्शन शुरू। गृह सचिव और पुलिस कमिश्नर पहुंचे पार्लियामेंट। एफएसएल की टीम ने जमा किए सैंपल्स। सूत्रों के हवाले से खबर, साजिश में शामिल थे कुल 6 लोग। सटीक प्लानिंग के साथ संसद भवन की सुरक्षा में लगाई गई सेंध। दो लोगों ने संसद भवन के अंदर किया हंगामा, दो आरोपियों ने संसद भवन के बाहर किया हंगामा। अब तक 4 की गिरफ्तारी, फरार 2 की तलाश जारी। सूत्रों के हवाले से खबर, 6 आरोपियों में 5 लोगों की पहचान हो चुकी साफ। छठवें अज्ञात की पहचान साफ करने में जुटी पुलिस। दिल्ली के बाहर से आए 5 आरोपियों ने गुरुग्राम के ललित झा के घर में डाला डेरा। प्लानिंग के साथ रची गई साजिश की कड़ियां सुलझाने में जुटी पुलिस। संसद में हुई चूक को लेकर लोकसभा में हुआ जमकर हंगामा। कार्यवाही 14 दिसंबर 2023 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। स्पीकर ओम बिरला ने बुलाई सभी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक। संसद की सुरक्षा व्यवस्था को ज्यादा मजबूत बनाने के तौर पर तरीकों पर होगी चर्चा। संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर लोकसभा स्पीकर का बड़ा एक्शन। पूर्व सांसदों, सांसदों के निजी सहायकों के एंट्री पास रद्द करने के आदेश। सदन की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से कूदा शख्स। सदन में कलर्ड स्मोक क्रैकर का किया इस्तेमाल। प्रदर्शनकारी महिला और पुरुष ने संसद भवन के पास नारेबाजी करते हुए छोड़ा कलर्ड स्मोक क्रैकर। क्रैकर छोड़ने के आरोपी अनमोल नीलम को हिरासत में लिया। संसद हमले की 22वीं बरसी, आज संसद परिसर में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दी श्रद्धांजलि। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह के साथ संसद परिसर में कई मंत्री और सांसदों को भी शहीदों को उन्होंने नमन किया, उनको दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी भी शहीदों को नमन करने पहुंचे। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। शहीदों की श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने शहीदों के परिजनों से मुलाकात की, उनके बच्चों को किया दुलार। विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में हुआ शपथ ग्रहण। छत्तीसगढ़ में बने दो डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव ने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। छत्तीसगढ़ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी और उत्तराखंड के सीएम भी रहे मौजूद। शपथ ग्रहण समारोह स्थल के बाहर छत्तीसगढ़ की संस्कृति की झलक देखी गई। आदिवासी परिधान पहने कलाकारों ने मनाया जश्न। सीएम विष्णुदेव साय ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले रायपुर स्थित आवास पर जाकर की पूजा अर्चना। मां ने तिलक लगाकर विष्णुदेव साय को दिया आशीर्वाद। मोहन यादव ने ली मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा ने ली मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम पद की शपथ। मध्य प्रदेश की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता शपथ कार्यक्रम में पहुंचे। शपथ ग्रहण से पहले मनोनीत सीएम मोहन यादव ने खटलापुर मंदिर में जाकर की पूजा, भगवान का आशीर्वाद लिया। दो दिवसीय एजेंडा आज तक की शुरुआत, दिल्ली में लगा दिग्गज हस्तियों का जमावड़ा। इंडिया टुडे ग्रुप वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी ने कहा, आज तक पर दर्शकों का भरोसा बरकरार, 2024 के बड़े सियासी समर के लिए हम पूरी तरह से तैयार। ये आज तक के लिए गर्व की बात है कि जहां खबर हम वहां, या फिर ऐसे कहिए कि जहां हम वहां खबर। एजेंडा आज तक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर समेत शिरकत करेंगे बीजेपी और विपक्ष की दिग्गज हस्तियां। कांग्रेस के करोड़ी सांसद धीरज प्रसाद साहू के लोहरदगा स्थित पर पहुंची 12 इनकम टैक्स ऑफिसर्स की टीम। जियो सर्विलांस मशीन और धीरज के 3 परिजनों को लाए साथ। शिवहर में सीएम नीतीश कुमार का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। सीएम ने शिवहर को दी 76 करोड़ 36 लाख के विकास परियोजनाओं की सौगात।
उत्तरकाशी में खेल महाकुंभ का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में खिलाड़ी दिखा रहे अपना दमखम। चेन्नई में शहर के नजदीक देखा गया मगरमच्छ। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर नदी में छोड़ा। फरीदकोट में लड़कियों को दी जा रही आर्मी ट्रेनिंग। लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए सिखाए जा रहे आत्मरक्षा के गुर। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। भगवा वस्त्र धारण कर विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। जमशेदपुर के चांडिल जलाशय में विस्थापित ग्रामीण कर रहे मोती की खेती। आधुनिक खेती से ग्रामीणों को हो रहा फायदा। पठानकोट बस स्टैंड पर आर्मी और पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। नए साल को सुरक्षा के लिहाज से हर तैयारी को अफसरों ने परखा। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की दूसरी वर्षगांठ पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में जमकर थिरके शिव भक्त। मुंबई में ऑटो चालक बना ट्रेडिंग एक्सपर्ट। लोगों को देते हैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने की गाइडेंस। ऑटो चलाते चलाते करते हैं ट्रेडिंग। भोपाल में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने समर्थकों के साथ मुलाकात। शिवराज से मिलकर गदगद हुए समर्थक। राजस्थान की नई डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने गोविंद देव मंदिर में किए दर्शन। विधि विधान के साथ की पूजा। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में किए दर्शन। सीएम ने विधिवत किया भगवान जगन्नाथ का पूजन। किन्नर महामंडलेश्वर किन्नर धर्मगुरु और सामाजिक कार्यकर्ता रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले लखनऊ से अयोध्या ले जाएंगे मंगल कलश। चांदी और 24 कैरेट गोल्ड से बना होगा कलश। 4 किलो वजन का है मंगल कलश। मंदिर उद्घाटन से पहले किन्नर समाज करेगा कलश समर्पित। उदयनिधि स्टालिन का दिखा अनोखा रूप। सर्दी के असर से बेहाल लोगों को बांटे कंबल। सूरत में रत्न और आभूषण पर एक फ्री वाइब्रेंट सेमिनार का आयोजन किया गया। गुजरात के मंत्री हर्ष सांघवी ने किया उद्घाटन। हैदराबाद में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने लगाया प्रजा दरबार। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का मल्लू ने तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर में की पूजा लिया आशीर्वाद। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का दिखा अनोखा अंदाज। स्वर्ण मंदिर में जूते किए साथ। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने भारत नेपाल डिजिटल कनेक्टिविटी को लेकर डीपीआई पर सेमिनार आयोजित किया। दोनों देशों के अधिकारी शामिल हुए। ट्रेन दुर्घटना के दौरान राहत बचाव कार्य में तत्परता को लेकर लखनऊ में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल में लखनऊ की एनडीआरएफ टीम ने लिया हिस्सा। तमिलनाडु के रामेश्वरम में हाउस इंश्योरेंस की याचिका को लेकर स्पेशल कैंप का आयोजन किया गया। हाउस इंश्योरेंस से जुड़ी जानकारियों से रूबरू हुए लोग। डोमिंगगढ़ से बस्ती स्टेशन तक रेलवे ट्रैक पर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल लगाने का काम पूरा। अब इस रूट के रेलवे ट्रैक पर 1 किलोमीटर के फासले पर सुरक्षित चल सकेंगे ट्रेन। प्रयागराज में महिला की अनोखी राम भक्ति। राम नाम लिख लिख कर उकेरा पूरा का पूरा रामचरितमानस। एमपी के शहडोल में अनोखा राम भक्त दिखाई दिया। पुरुषोत्तम दास असाटी ने 15 साल में 50 करोड़ 15 लाख राम नाम का किया संग्रह। पाली में मौसम ने ली करवट। पेड़ पौधों पर जमी दिखाई दी ओस। बागेश्वर में बर्फबारी ने बदला मौसम का मिजाज। बागेश्वर में बढ़ गई ठंड। पहाड़ों की चोटी पर दिखी जमी हुई बर्फ। बागेश्वर में पहाड़ियों पर जमा दिखा पानी। चमोली में बर्फबारी से मौसम हुआ सुहाना। पहाड़ों पर हर तरफ पिछली दिखाई दे रही बर्फ। चमोली में पेड़ पौधे मकान बर्फ के आगोश में समाये। कई जगहों पर जमी 8 इंच से ज्यादा की बर्फ। राजधानी दिल्ली में दिखी स्मॉग की चादर। खराब श्रेणी में रहा AQI। दिल्ली NCR में तड़के गाड़ियों की लाइट जलाकर गुजरते दिखाई दिए मुसाफिर। स्मॉग से विजिबिलिटी बेहद कम। दिल्ली में प्रदूषण ने बढ़ाई लोगों की दिक्कत। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश होने के बाद ही मिलेगी प्रदूषण से राहत। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। बर्फबारी के बाद लुढ़का पारा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में अगले 2 दिन में कई इलाकों में हो सकती है बारिश। संभाजीनगर में सूखा ग्रसित घोषित हुए इलाकों का केंद्रीय अधिकारियों ने किया दौरा। किसानों से अधिकारियों ने की बातचीत।
बस्ती में मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश यादव और मायावती पर बोला हमला, दोनों पार्टियों को बताया कब्जाधारी पार्टियां। बेलगावी में चल रहे प्रोटेस्ट पर बोले जय मृत्युंजय स्वामी, कहा हमने की मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात। केरल में सबरीमाला मंदिर के भक्तों ने राज्य सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ जमकर खोला मोर्चा। सबरीमाला मंदिर में अव्यवस्थाओं के चलते युवा मोर्चा में भी दिखाई दिया आक्रोश, तिरुवनंतपुरम में राज्य सरकार के खिलाफ किया विरोध।